मुझे वो स्टोरी याद आती है जब के बांग्लादेश हमसे लड़ा हो गया था। सामने जब एकदम से बांग्लादेश का शहर जो ढाका है उसका नाम लिया जाता है तो पहली बात क्या माइंड में आती है? मेरे एक्चुअली दादा जो है वो बांग्लादेश में जो है उनका बिजनेस था और मेरे वाले इस्लामाबाद देखा है तो इसलिए इस्लामाबाद ज्यादा खूबसूरत लग रहा है अभी, और जब ढाका देखेंगे तो फिर उसके बारे में व्यू देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस। यहाँ पे जी हम देखेंगे कि इस्लामाबाद के लोग बांग्लादेश के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या ख्याल है बांग्लादेश के हवाले से, बांग्लादेश से मोहब्बत के हवाले से, आया बांग्लादेश जो है, बांग्लादेशी जो हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है, उनकी क्या ओपिनियन है बांग्लादेश कंट्री के हवाले से। यहाँ पे जी काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो है पाकिस्तान की जानिब से, ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो देखेंगे, लाइक पाकिस्तानी बांग्लादेश के हवाले से क्या कह रहे हैं। तो वीडियो आप लोगों ने देखनी है मेरे साथ पूरी आखिर तक। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जी लाजमी लाइक कर दिया करें। आप लोग वीडियो लाइक करते हैं तो उसमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण खान और आज हम करने जा रहे हैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट इस्लामाबाद में, और वो भी बांग्लादेशी शहर ढाका के बारे में। तो आज हम जानेंगे इस्लामाबाद के लोगों से कि वो बांग्लादेशी शहर ढाका के बारे में क्या सोचते हैं। बांग्लादेशी नॉन स्टॉप वीडियो चैनल और हमारे फोकस एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं आप? मैं इस्लामाबाद से हूँ। हम लोग इस्लामाबाद से ही हैं। मैं रावलपिंडी पाकिस्तान यहाँ से ही। मैं मंडी पावलदीन से। हम चकवाल से हैं। कराची। आप क्या करती हैं? मैं बीएस कर रहा हूँ साइकोलॉजी में। मैं पढ़ रही हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ। मैं बेसिकली मुजफ्फराबाद से हूँ, इधर स्टडी कर रहा हूँ। दोनों सिस्टर्स हैं? जी वी आर सिस्टर्स। मैं आईआर पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। और आप क्या करती हैं? मैरिड हूँ, घर वाले। हम ये जानना चाहते हैं कि इस्लामाबाद के लोग या पाकिस्तानी आवाम जो है वो बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश का जो शहर ढाका है उसके बारे में कितना जानती है। तो आपके सामने जब एकदम से बांग्लादेश का शहर जो ढाका है उसका नाम लिया जाता है तो पहली बात क्या माइंड में आती है? मेरे एक्चुअली दादा जो है वो बांग्लादेश में जो है उनका बिजनेस था और मेरे वालिद बचपन में काफ़ी आया जाया करते थे ढाका, ढाका ही आया जाया करते थे। ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है ये भी जानते हैं हम। मुझे वो स्टोरी याद आती है जब के बांग्लादेश हमसे लड़ा हो गया था। और नेक्स्ट जो वहाँ पे 90% मुस्लिम रहते हैं, वहाँ के जो मेजोरिटी है और वहाँ के जो सिटीजन है और वहाँ की जो खूबसूरती है वो मुझे बहुत पसंद है। हम भी मुस्लिम से और वो भी मुस्लिम से हैं, और उस टाइम अगर के वो हमसे मतलब इलादा ना होता उस टाइम, लेकिन इलादा हो गया था जो कि मतलब के जो भी हुआ था उस टाइम। पहली बात ये माइंड में आती है कि वहाँ पे हमारे मुस्लिम काफी ज्यादा हैं। लाइक पास में वो हमसे सेपरेट हो चुका था, पार्ट हमारा था लेकिन हमसे सेपरेट कर दिया गया था, और होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया था। वहाँ बिग सिटी है, हमारी तरह मुस्लिम भाई हैं वो। और दूसरा क्वेश्चन हमारे जहन में ये आता है कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए, उन लोगों से मिलना चाहिए। देखें ढाका से तो यही लगता है कि जैसे कोई बैकवर्ड सा एरिया है, लेकिन मोस्टली हम लोगों को नहीं पता कि बांग्लादेश का कैपिटल है ये ढाका। वो तो पहले हमारा पाकिस्तान का एक हिस्सा था, तो उस वजह से प्यार मतलब मोहब्बत उनके लिए। मैं ना मीडिया से इतना ज़्यादा इन टच हूँ और ना ही मुझे कोई पॉलिटिक्स से इतना इंटरेस्ट है, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना नो हाउ नहीं है। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान के साथ था, हमारा मुल्क था। आज अगर वो हमारे साथ होता तो हमें बहुत से फायदे भी थे मुल्क के बारे में। इस्लामाबाद कैपिटल है हमारे पाकिस्तान का, तो इसी तरह बांग्लादेश का एक शहर है ढाका, वो भी कैपिटल है। तो आपको दोनों में से कौन सा सिटी ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे तो ऑफ कोर्स इस्लामाबाद अच्छा लगता है क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, इतनी खूबसूरत सिटी है। खूबसूरत तो इस्लामाबाद है, दोनों ही अच्छे हैं। बेसिकली बात की जाए तो ढाका भी बहुत अच्छा है। इस्लामाबाद देखा है तो इसलिए इस्लामाबाद ज्यादा खूबसूरत लग रहा है अभी, और जब ढाका देखेंगे तो फिर उसके बारे में व्यू देंगे। देखिए मैम, वो एक मशहूर मकबूल है कि बंदे को हमेशा अपनी चीज ही अच्छी लगती है। आपको पता है कि ढाका की जो आबादी है वो कितनी है? आबादी का तो नहीं पता, इतना पता कि मेजॉरिटी ऑफ देयर विल बी मुस्लिम पीपल। 21 लाख। हाँ जी, 19 लाख। 40 लाख के करीब। कितना पुराना है इसका कोई नॉलेज है आपको? अंग्रेजों के टाइम से ही था मेरे ख्याल से। वो उसी पुराना तो ये है कि साथ ही था, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था, फिर वो बस बांग्लादेश अलग हुआ तो वो ढाका था। 400 साल पुराना है, 500 साल, 600 साल। आई गेस 500 400 ईयर्स। 500 साल, आई थिंक सो 400 साल होगा। 23 साल हो गए।
इस तो पहले ही बने ऐसे। बांग्लादेशी जो क्रिकेट टीम है उसके बारे में कितना जानते हैं? वैसे मैं क्रिकेट में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ, जिसके काफी क्रिकेटर्स मुझे अच्छे भी लगते हैं। वहाँ की टीम के बारे में क्या जानते हैं? क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम तो बहुत अच्छी टीम है बांग्लादेश के, या उसकी जो मुशफिकुर रहीम विकेट कीपर है वो मुझे बहुत, मैं बहुत पसंद भी करता हूँ। पहले आते रहे ये लोग, खेलते रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये खेले, हमारे साथ इंडिया भी खेले और बांग्लादेश भी आए, और बाकी जैसे साउथ अफ्रीका ने अच्छे रिजल्ट दिया हमारे पाकिस्तान के लिए, तो ये आए हमें खुशी होगी। बांग्लादेश पहले तो थोड़ा सा था, अभी जो है ना वो ऊपर आ रहे हैं, तो अच्छी मतलब परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी दे रहे हैं। आप बांग्लादेशी जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? वो भी पाकिस्तान में आए, यहाँ पे आके देखें, लाइक यहाँ के पीपल हम सब काफी लविंग है, प्यार और मोहब्बत बांटनी चाहिए। पाकिस्तान अच्छा मुल्क है, बेशक मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, तो नफरत कहाँ की फील होगी? जो इंडिया में जो हो रहा है ये भी बहुत गलत है मुसलमानों के खिलाफ। इंडियन लोगों की कम सुना करें, इंडिया उनका दुश्मन है और हमारा भी दुश्मन है, मुसलमानों के एक साथ रहना चाहिए। हम एज अ मुस्लिम जैसे बोला जाता है, हम सब बहन भाई हैं सारे, ठीक है, तो अगर वो यहाँ विजिट करते हैं और यहाँ वहाँ जाते हैं तो उनके लिए हमारी फीलिंग सेम होंगी जैसे कि अभी यहाँ के सब मुसलमानों के लिए। क्या आप लोग वहाँ पे हमारा नाम जो है ना वो कायम करें? ठीक है, ये बताएं कि अगर आपको वहाँ विजिट करने भेजा जाए तो आप जाना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, देखना चाहूंगी कैसा है वो। हाँ जरूर जाना चाहूंगी, मुझे तो वैसे भी ट्रेवल करने का बहुत शौक है, तो मैं तो जरूर जाऊंगी। जरूर, मेरा विषय के पाकिस्तान से बाहर जाओ। मेरा फर्स्ट टाइम व्यू पूछा जाए ना तो मुझे तो आउटिंग बहुत ज्यादा पसंद है। या श्योर जाना चाहूंगी, क्यों नहीं, क्योंकि वो पहले हमारा पार्ट था, हमें जाना चाहिए, वहाँ के लोगों से मिलना चाहिए, मतलब कि वहाँ की हिस्ट्री क्या था, सब कुछ अच्छी बात है। श्योर मैं जाऊंगी अगर जाने का मौका मिले तो। आप उनको भी यहाँ पे आने के लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं कि वो भी यहाँ पे आए? तो मैं उनको यही कहूंगी कि यहाँ पे आए और यहाँ की जो सबसे अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं उनको विजिट करें, जैसे मुनाल हो गया, हमारी फैसल मॉस्क होगी जो कि हिस्टोरिकल, जिसकी बहुत वैल्यू है, वो यहाँ पे जरूर विजिट करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो दिल खोल के आए, पहले वो कह रहे थे हम T20 खेलेंगे सिर्फ, टेस्ट नहीं खेलेंगे, तो फिर उन्होंने इरादा चेंज किया अपना, वो कहते हैं कि हम आएंगे, और यही है कि पाकिस्तान पूरा अमन कंट्री है हमारा, सबको वेलकम, मोस्ट वेलकम है वो आए इधर। और वहाँ के फूड के बारे में, कल्चर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतना तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान से मिलता जुलता ही होगा तकरीबन, क्योंकि पहले वो हमारा पार्ट रह चुका है, तो अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं, हम वहाँ पे जाएंगे हमें पता चलेगा, तो हमें जाना चाहिए वैसे। फिर कल्चर और हमारे कल्चर में काफ़ी फ़र्क है, हम तो उनके कल्चर में अभी तक गए ही नहीं हैं, तो हम देखना चाहते हैं उनका कल्चर कैसा है, हमें वो बुलाएं उस मुल्क में, हमारी भी एंट्री हो, हम देखें किस किस्म का उनका कल्चर है। कल्चर के बारे में ऐसे तो पता नहीं है, लेकिन जब विजिट करूँगी तो फिर अच्छे व्यूज होंगे। अच्छा, आप गए नहीं है तो आपको फ़र्क कैसे लग रहा है? कि फ़र्क बहुत है, क्योंकि वो मैंने देखा नहीं है, जब देखूंगा तो फिर फर्क का बंदा बता सकता है, अभी तो नहीं पता। देखिए ज़्यादा मैं हिस्ट्री को मैंने रीड नहीं किया ना मैंने पढ़ा है, बस यही है कि अपने पाकिस्तान से ही मुझे पता है कि जो यहाँ के फूड ज़्यादा बेहतर हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के अभी फिलहाल कोई हिस्ट्री आइडिया नहीं है कि मैं ऐसे कमेंट कर दूँ उनके बारे में। वैसे वो मुस्लिम कंट्री है तो इतना फ़र्क नहीं है हमारे और उनके कल्चर में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 99% जो है वो मुस्लिम्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, यहाँ पर आप लोगों ने देखी है पाकिस्तानियों की क्या जज्बात हैं बांग्लादेश के हवाले से। पाकिस्तानियों को भी कुछ ना कुछ तो पता ही है बांग्लादेश के हवाले से, लाइक बांग्लादेश में भी लोगों को काफ़ी पता है, ठीक है, यहाँ पे समटाइम्स होता है कि नहीं पता भी होता है, ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लगा है कि जो मोहब्बत का पैगाम बांग्लादेशियों को दिया है कि आप आएँ पाकिस्तान में, हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, और मुसलमान मुसलमान आपस में बहन भाई हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपके भी सेम सेंटीमेंट्स होंगे, और हम आपके वहाँ पे जाएं तो ये एक अच्छा लाइक जेस्चर हो, ठीक है, और आपस में जब कम्युनिकेशन जो है इंक्रीज़ होता है तो लोग जो हैं एक दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान एक डिफरेंस है जो कि क्रिएट हुआ है, और ये जो डिफरेंस है ये अब पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से है। यहाँ पे माजी में जो गलतियाँ पाकिस्तान की जानिब से की गई, पाकिस्तान आर्मी की जानिब से जो गलतियाँ की गई, उनकी वजह से आज हमारे भाई, हमारे बांग्लादेशी ब्रदर्स जो हैं हमसे बहुत दूर हैं। लाइक यहाँ पे स्पेशली जो पॉलिटिशियंस हैं
उनमें काफ़ी गुस्सा है, लाइक बांग्लादेशी जो है वो तो पाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन चूँकि रेस्ट्रिक्शंस हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट की जानिब से, वीज़ा रेस्ट्रिक्शन है, बहुत मुश्किल से जो वीज़ा है बांग्लादेश का वो मिलता है, जिसके बाद ऐसा कम ही पॉसिबल होता है कि पाकिस्तानी बांग्लादेश आ सकें और कोई बांग्लादेशी पाकिस्तान आ सके। तो अगर ये रेस्ट्रिक्शंस इनको थोड़ा सा लाइट कर दिया जाता है, थोड़ा सा कम कर दिया जाता है तो लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक है, एक दूसरे की कंट्रीज में ट्रैवल करना। वेल आई विश के पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो रिलेशंस हैं कभी नॉर्मल हो, और कितनी अच्छी चीज़ हो, लाइक क्या मज़ेदार किस्म का माहौल। वेल आप लोग क्या कहेंगे इसके हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को जी आप लोगों ने लास्ट में लाइक करना है, लाइक का बटन सामने, उसे जल्दी से क्लिक कर दें, वीडियो को दिल खोल के शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मोहब्बत का जो पैगाम है वो पहुँच सके। सो लास्ट में वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो अब मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, हाफिज़, बाय बाय।